हेलो एवरीवन, सीबीएसई बोर्ड कैंडिडेट्स 2022 बोथ क्लास 10 एंड क्लास 12। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे जैसे हमारे एग्जाम नजदीक आ रहे हैं उतनी ज्यादा हमारी दिल की धड़कनें तेज हो रही हैं। अब आपके प्रॉब्लम को देखते हुए मेरे प्यारे दोस्तों, आपके भैया जितना हो सके अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं आपके टेंशन को कंप्लीटली दूर कर दें और आप लोग टेंशन फ्री होकर अपना एग्जाम दें। कोई फेल नहीं होगा मेरे प्यारे दोस्तों इन टर्म टू, जहां पर कंबाइंड रिजल्ट क्राइटेरिया फॉलो किया जा रहा है। मैं आप सबको एक लाइव प्रूफ भी दिखा देता हूं, एक स्टूडेंट का रिजल्ट दिखा देता हूं टर्म टू का, क्लास 9 का, कि किस फॉर्मूला में उनका कैलकुलेशन हुआ है और वो किस तरीके से पास हुए हैं। आप सबको ये पैटर्न देखना है, आपके इंटरनल प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स के मार्क्स जुड़ रहे हैं या नहीं, सबसे पहले इसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो यस मेरे प्यारे दोस्तों, कंबाइन का मतलब होता है मिला जुला कर रिजल्ट बनाना और ये सारी चीजें जुड़ेंगी भी, बस क्लास 12 का थोड़ा सा अलग है एज कम्पेयर टू क्लास 10 के रिजल्ट से। आप सबको पता है कि क्लास मेरे प्यारे दोस्तों 10-12 में एक सेपरेशन है, एक अलग सा चीज़ है। आप सब लोगों को डर है कि पता नहीं मेरे अच्छे परसेंटेज आ पाएंगे कि नहीं, पता नहीं मैं पास हो पाऊंगा कि नहीं। आप सबको पता है कि आप 40 मार्क्स का पेपर देने जा रहे हैं जो कि कंप्लीटली अलग है टर्म टू से, और इसमें सब्जेक्टिव पेपर है, आपको रिटन एग्जाम देना है। क्या आपको पता है कि यहाँ पे स्टेप मार्किंग अटेम्प्ट मार्किंग भी होती है, इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बहुत जल्द आने वाली है। पर आप लोगों को 40 में से 13 मार्क्स 1-3 स्कोर करने होंगे फॉर पासिंग योर थ्योरी एग्जाम, जो आप एग्जाम में बैठने जाएंगे। 40 में से मात्र केवल 13 नंबर आपको स्कोर करने पास होने के लिए है ना मेरे प्यारे दोस्तों, ये चीज आपको पता है। अब ऐसे में आप अगर 13 नंबर ना भी लाएं तो भी आप पास कर जाएंगे। आपके स्क्रीन पर सबसे पहले आप देख लीजिए एक रिजल्ट क्लास 9 का, मैंने दिखाया था, इसके ऊपर मैं काफी एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, टीचर से बात कर रहा हूं, कंसल्ट कर रहा हूं कि कैसे कॉम्बाइंड रिजल्ट कैलकुलेशन करके बच्चे को पास कराया जा रहा है। तो यहां पे देख सकते हैं ये वाला कॉलम देख लीजिए, टर्म 2 उसके इंटरनल मार्क्स साइड में है और इस तरफ है टर्म एंड्स 40 मार्क्स का। तो इस बच्चे को तो 13 मार्क्स स्कोर करना था पास होने के लिए, लेकिन बच्चे ने स्कोर किया है 5, 7, 4, even 2 मार्क्स एंड 13 मार्क्स। अब जरा आप नीचे देखिए क्लास टीचर ने क्या लिखा है, प्रोमोटेड टू क्लास 10, और सेम फॉर्मूला यूज हो रहा है फॉर क्लास 10 एंड 12 के लिए। तो आप लोग क्यों नहीं पास करेंगे, इसके बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे। एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन के बारे में आप सबको बता दूं, पर उससे पहले एक और चीज, आपके स्क्रीन पर भैया आप इतना मेहनत कर रहे हैं, भैया आप लोगों के जो भी चाहिए वो लाकर दे रहे हैं, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपके स्क्रीन पर थंबनेल देख सकते हैं। इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से जाकर बेसिक और स्टैंडर्ड मैथ्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले लो, फिर इस छोटी सी वीडियो के बाद मैं आप सबको सारा अपडेट देता हूं। चाहे कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो या कोई भी कॉन्सेप्ट समझ ना आ रहा हो, बोर्ड्स हो या जेईई नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो उसका सलूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट को किसी भी टाइम क्लियर करें विथ 3 सिंपल स्टेप्स। सबसे पहले आपको इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लेना है, आपके अपने खुद के मोबाइल नंबर से रजिस्टर कर लेना है, अपना कोई भी क्वेश्चन जिसमें आपको डाउट हो उस क्वेश्चन का पिक्चर ले लेना है या फिर टेक्स्ट करके उसे सबमिट कर देना है। फिलो ऐप आपको कनेक्ट कर देगा इंडिया के टॉप एक्सपर्ट्स के साथ, जहां पर 60 सेकंड के अंदर आपको मिलेगा आपको सलूशन। उसी आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है, अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट, इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220, तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। इसके साथ मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि ये एक इतने सिंपल एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मेक श्योर बोर्ड्स आ रहे हैं आप इस चीज़ का फायदा उठा लें। तो इट्स दैट सिंपल, हैव एनी क्वेश्चन आस्क फिलो। यू कैन ऑल्सो डाउनलोड दिस एप्लीकेशन यूजिंग आवर QR कोड। तो हरी आप गेट बेनिफिट नाउ। मेरे प्यारे दोस्तों, आपका अगर थ्योरी पेपर अच्छा नहीं जाएगा तो आई होप आप सबने इंटरनल प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स अच्छे से दिए होंगे, और पूरा पूरा गारंटेड है मेरे प्यारे दोस्तों, हर एक स्कूल अपनी रेपुटेशन अच्छा रखना चाहती है हर साल, तो बच्चों को 20 में से 20 तो देती ही है। तो आप लोग जरा एक चीज को गौर करिए आपके स्क्रीन पर, यहां पर टर्म 1 का स्कोर देख लीजिए, इंटरनल असेसमेंट और थ्योरी पेपर को दोनों को मिलाकर 9+12, और इंटरनल टर्म 2 का और टर्म 2 का थ्योरी पेपर मिलाकर यहां पर टोटल लिखा हुआ है 100 मार्क्स। 100 में से जब टोटल किया गया तो बच्चे के 46, 45, 45, 37, 53 मार्क्स आ गए। तो कॉमन सी बात है, 100 में से बच्चे को स्कोर करना था 33%, तो आ चुका है, ये सारे मार्क्स जो है 36% के ऊपर है, तो ये बच्चा पास हुआ कि नहीं। तो इसी को बोला जाता है कॉम्बाइन रूल क्राइटेरिया। अगर मेरे प्यारे दोस्तों थ्योरी पेपर आपका खराब भी चला जाएगा तो भी आपका इंटरनल देख लीजिए मिलाकर, पुराने टर्म 1 के स्कोर मिलाकर बच्चे को पास कराए गए हैं, इसी को बोला जाता है आपका कॉम्बाइन फॉर्मूला। और ग्रेडिंग स्केल आपके स्क्रीन पर नीचे देख सकते हैं, ग्रेडिंग भी दिए जाएंगे। हालांकि आप लोगों का रिजल्ट अलग तरीके का होता है क्लास 10-12, लेकिन जो फॉर्मूला है, जो पासिंग क्राइटेरिया का फॉर्मूला है, जो आपके यही फॉर्मूला में हो रहा है कॉम्बाइन फॉर्मूला में, मैं आप सबको ऐसे दिल को छू जाने वाली टेंशन फ्री कर देने वाली वीडियोज लाते रह रहा हूं, लाऊंगा, आगे भी देता रहूंगा, ताकि आप फील फ्री रहें, टेंशन फ्री होकर अपना एग्जाम दें, अच्छे से पास करें। अब मैं आप सबको 100% गारंटी नहीं दे सकता कि एक भी बच्चा फेल नहीं होगा। अगर कोई बच्चा पेपर एकदम से खाली करके आ जाए और उसके टर्म 1 भी खराब पड़े हो तो वो कैसे पास होगा? मान लीजिए एक बच्चे का पूरा टर्म 1 खराब हो चुका है, उसने टर्म 2 अच्छा कर लिया, मिला जुला के वो पास भी हो जाएगा, अच्छे परसेंटेज भी आ जाएंगे। और अगर दोनों ही खराब चले गए, टर्म 1 भी खराब, टर्म 2 भी खराब, तो कोई क्या ही कर सकता है?
तो एकदम टेंशन नहीं लेना है, आप सबकी तरह हम भी मेहनत कर रहे हैं आप सबको जस्टिस दिलाने के लिए। एंड आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही राहत लगी होगी। ऐसे और भी वीडियोज आपको लाने हैं, कैसे इंटरनल जुड़ेगा, क्या क्राइटेरियन रहेंगे, सब कुछ लेकर आऊंगा टाइम टू टाइम। मिलते हैं अगले अपडेट में, आप अपना ख्याल रखें, थैंक यू सो मच।